फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 13, कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका पार्ट 2. एट लास्ट कैम द 11th ऑफ अक्टूबर एंड विद इट सम वेरी क्लियर साइंस ऑफ लैंड. आखिर 11 अक्टूबर का दिन आ ही गया और उस दिन के साथ ही एक नई जमीन, एक नए भूमि का कुछ क्लियर लक्षण भी दिखाई दिए. On that day, the crew recovered from the sea the top of the table and a carved skink. उस दिन जो crew members थे, उस जहाज़ के जितने भी नाविक थे, उन्होंने नई चीज़ देखी. From the sea top of table and एक मुड़ी हुई छड़ी. Also, the man in the one of the ships saw a branch of tree with fruit on it. और एक अन्य व्यक्ति ने एक पेड़ की शाखा देखी जिस पर फल लगे हुए थे. Floating by, जो कि पास ही तैर रही थी. Long after the sun had gone down upon the sea, काफ़ी लंबे अरसे के बाद सूर्य की रोशनी जो है जहाज़ पर पड़ी. कोलंबस स्टूड ऑन द डेक ऑफ द शिप. कोलंबस तो था जहाज़ के डेक पर खड़ा हो गया. लुकिंग टूवर्ड्स द वेस्ट, पश्चिम की ओर देखते हुए. एट 10 o'clock ही थॉट ही सा अ लाइट. और 10 बजे उसे ऐसा लगा जैसे उसने प्रकाश देखा. प्राइवेटली ही कॉल्ड पेड्रो गेटाज, अ फेथफुल मेम्बर ऑफ हिज क्रू. उन्होंने पेड्रो को बुलाया जो कि उनके एक विश्वसनीय क्रू मेंबर थे. एंड शोड इट टू हिम, और उन्हें भी वो लाइट दिखाई. दे कॉल्ड द थर्ड मैन हु आल्सो विद सम डिफ़िकल्टी वाज एबल टू सी द लाइट. उसके बाद उन्होंने एक तीसरे आदमी को बुलाया जो कुछ कठिनाई से उस लाइट को देख पाया. इट अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स होता है बेटा दिखाई दिया. वो लाइट कैसी दिख रही थी? लाइक अ कैंडल, एक मोमबत्ती की तरह. That went up and down, जो कि कभी जलती थी कभी बुझती थी. There was no doubt, इसमें कोई शक नहीं था. That it was a real light, कि ये जो है एक वास्तविक लाइट थी. And that it come from land, और ये किसी नई ज़मीन से आ रही थी. From the deck of one of the ship, उस जहाज़ की डेक पर. At 2 o'clock in the morning, सुबह के 2 बज चुके थे. Land was first seen by Rodrigo de Trinia, और पहली बार जो नया लैंड था, नई भूमि थी, एक नए द्वीप की खोज थी, वो किसके द्वारा की गई थी? रोड्रिगो डी ट्रियाना के द्वारा. द किंग एंड द क्वीन हैड प्रॉमिस्ड अ पेंशन ऑफ 10,000 कॉपर कॉइन्स टू द फॉर्चुनेट मैन हु सा लैंड फर्स्ट. और राजा और रानी ने ये वादा किया था कि उस व्यक्ति को पेंशन दी जाएगी. पेंशन क्या होता है बेटा? पेंशन रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली राशि होती है. तो पेंशन दी जाएगी 10,000 कॉपर कॉइन्स की, और उस भाग्यशाली व्यक्ति को यह पेंशन दिया जाएगा जो कि सबसे पहले लैंड देखेगा. बट इट वॉज नॉट रोड्रिगो, लेकिन ये रोड्रिगो नहीं थे हु गॉट द रिवॉर्ड, जिन्हें पुरस्कार मिलता. द पेंशन व्हेन इट वॉज गिवन लेटर, बाद में पेंशन दी गई, वो थे टू द एडमायरल कोलंबस, कोलंबस को दी गई. डिसअपॉइंटेड, निराश होकर, रोड्रिगो वेंट अवे टू अफ्रीका. रोड्रिगो अफ्रीका चले गए. एंड बिकेम ए मुस्लिम, और मुस्लिम बन गए. ऑन द मॉर्निंग ऑफ फ्राइडे 12th of October 1492, और 12 अक्टूबर 1492 में, कोलंबस कैरिंग इन हिज हैंड द रॉयल फ्लॉग ऑफ स्पेन. कोलंबस अपने हाथ में स्पेन का शाही ध्वज लिए हुए थे. स्टेप्ड ऑन द लेवल शोर्स ऑफ द स्मॉल आइसलैंड्स दे हैड रिज्ड, और उन्होंने एक नई ज़मीन पर कदम रखे, नए भूमि के किनारों पर कदम रखे जिसकी खोज उन सब ने मिलकर की थी. इट वॉज अ प्लीजेंट आइसलैंड, ये एक बहुत ही सुंदर द्वीप था. लाइक अ गार्डन फुल ऑफ ट्रीज, बिल्कुल एक बगीचे की तरह जिसमें चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे. द अदर कैप्टन फॉलोड हिम, एक अन्य कैप्टन थे जो उन लोगों को फॉलो कर रहे थे. ईच कैरिंग अ फ्लैग विद अ ग्रीन क्रॉस ऑन इट, और सारे लोगों के हाथ में फ्लैग थे जिस पर एक ग्रीन कलर का क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था. द क्रू कैम आफ्टर देम, और वो क्रू जो था उनके बाद आया था. ऑल अलॉन्ग द शोर स्टोर्ड द सिंपल आइसलैंडर्स लुकिंग ऑन विद वंडर, और जितने भी नाविक थे वो उस आइसलैंड के किनारे खड़े हुए थे और उस द्वीप को बहुत ही आश्चर्य से देख रहे थे. द वोएजर्स फेल अपॉन देयर नीज एंड ऑफर्ड देयर थैंक टू ऑलमाइटी गॉड, और जितने भी वोएजर्स थे, वोएजर्स मीन होता है बेटा मल्लाह या नाविक या नाव खेने वाले. तो कोलंबस के जो क्रू थे उसमें जितने भी मेंबर्स थे वो घुटनों के बल बैठ गए और ईश्वर का धन्यवाद करने लगे. आफ्टर दिस, इसके बाद, द मेंबर ऑफ क्रू मेंबर्स हु हैड अर्लियर मेड प्लान्स अगेंस्ट द एडमायरल
ऐसे क्रू मेंबर जिन्होंने कोलंबस के खिलाफ षड्यंत्र रचा था आस्क हिज फॉरगिवनेस, कोलंबस से माफ़ी मांगने लगे। दे टोल्ड हिम हाउ मच दे एडमायर्ड हिम, और वो कहने लगे कि हम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, एंड हाउ मच ग्रेटिट्यूड दे ओल्ड हिम, और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोलंबस फ्रीली फॉरगिव देम, कोलंबस ने उन्हें आसानी से माफ़ कर दिया, एंड स्पोक टू देम विद वार्मथ एंड अफेक्शन, और उनके साथ बहुत ही स्नेह के साथ बात की। फॉर मोर देन टू मंथ्स, दो महीनों बाद कोलंबस एक्सप्लोर्ड द सी अराउंड, कोलंबस ने समुद्री यात्रा लगातार की। ही कैम अपॉन सम आइसलैंड, और उसके बाद उसने कुछ नए द्वीपों की खोज की। He believed, क्योंकि उसे विश्वास था, that these were the group of Iceland lying to east of India, क्योंकि इंडिया के पूर्व की ओर द्वीपों का एक समूह है और उसकी खोज कोलंबस कर रहे थे। So he called the Iceland the Indies, इसीलिए उन्होंने इन द्वीपों का नाम इंडीज रखा। During a later voyage, और बाद में voyage के कुछ सदस्यों द्वारा या कुछ मल्लाहों द्वारा, he touched the coast of Central and South America, वो सेंट्रल और साउथ अमेरिका के किनारों पर पहुँचे। ही सेल डाउन द कोस्ट राइटली गैसिंग दैट इट वॉज अ कॉन्टिनेंट, और उनको ये अंदेशा था कि ये जो है एक कॉन्टिनेंट है, एक छोटा सा द्वीप है। बट डिड नॉट एक्सप्लोर द इंटीरियर, लेकिन उन्होंने इसके अंदरूनी भागों की खोज नहीं की। ही बिलीव दैट दिस वॉज इंडिया, उनका ये मानना था कि ये जो नया द्वीप है या नई जो भूमि है वो भारत भूमि है। कोलंबस मेड फोर वोयेज इन ऑल अक्रॉस द एटलांटिक, कोलंबस ने समुद्री यात्रा चार बार की। टू द एंड ऑफ हिज डेज, और जब उनकी समुद्री यात्रा का अंत हुआ, ही डिड नॉट रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ हिज डिस्कवरी, उन्हें ये संतुष्टि नहीं थी कि उन्होंने वास्तव में प्रकृति की खोज कर ली है। ही लुक्ड अपॉन हिमसेल्फ एज द डिस्कवर ऑफ सी रूट टू इंडिया, उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की है जो कि उनको भारत तक ले गई। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में ही हैड डन समथिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट, उन्होंने उससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण किया था। ही हैड डिस्कवर्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ अ न्यू कॉन्टिनेंट, उन्होंने एक नए द्वीप की खोज की थी, एक नए द्वीप का मार्ग सभी को बताया था। ही हैड डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड, उन्होंने एक नए संसार की खोज की थी। सो बेटा, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 13, कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका पार्ट 2। आई होप कि आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।